नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों, मैं हूं आरआरजे, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमआर के वर्किंग के ही बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए हुए हैं एमआर के जॉब को लेकर, जैसे कि एमआर को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, वर्किंग कब से कब तक करनी पड़ती है, और एमआर को अकेले काम करना पड़ता है या फिर एरिया मैनेजर साथ में आते हैं काम करने के लिए, सैलरी कब तक बढ़ती है, कंफर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखिए, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है मैं उन सबसे कहूंगा थैंक्स 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 अ लॉट 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों क्या होता है कि एमआर का जो जॉब होता है वो स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग डॉक्टर कॉल के ऊपर। देखिए अगर मैं डेफिनेट बात करूँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग कैसे होता है बॉस की, अगर आपको यहाँ से मॉर्निंग सुबह 9 बजे निकलते हैं वर्किंग के लिए, तो मान के चलिए आपको शाम के बस सकते हैं 7-8 और कभी कभी रात के 9-10, क्योंकि अगर कोई लेट कॉल हुआ तो आपको लेट कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डॉक्टर इंपॉर्टेंट है तो आपको उनको मिलना ही पड़ेगा, अगर आपकी वो लिस्ट में है तो आपको उनको मिलना ही पड़ेगा, आपको वो लिस्ट में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डॉक्टर हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो मान के चलिए टाइमिंग के बारे में आप कोई कंफर्मेशन मत रखिए कि मेरा टाइमिंग लाइक 9 से 5 रहेगा या फिर 10 से 6 रहेगा, ये तो आप मान के चलिए मत, टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, बस इतना है कि आपको करना है काम, नहीं होना है परेशान, ओके दोस्तों। लेकिन 9 बजे के पहले आपका वर्किंग खत्म हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा आप, इतना टेंशन मत लीजिए। अब रही बात, क्या एमआर को वर्किंग अकेले करना पड़ता है, काम अकेले करना पड़ता है, यस। क्या होता है कि 25 दिन में जो डेज होंगे वर्किंग के, 25 दिन या 24 दिन संडे छोड़ के, उनमें से 4-5 दिन आपके साथ आपके एरिया मैनेजर वर्किंग के लिए आ सकते हैं, आपके साथ आ सकते नहीं, आएंगे ही वर्किंग के लिए आपके साथ, और कभी कभी आरएसएम महीने में 1-2 बार आपके साथ वर्किंग के लिए आ सकते हैं, और अगर ऊपर के जोनल सेल्स मैनेजर नेशनल सेल्स मैनेजर आते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो मान के चलिए आपके 15 दिन आप काम करेंगे अकेले, और बाकी बचे हुए दिनों में आपके आरएसएम या फिर एएसएम नेशनल सेल्स मैनेजर जेडएसएम वो वर्किंग के लिए आ सकते हैं, समझ गए दोस्तों। और रही बात छुट्टी की, तो आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, आप अप्लाई कीजिए, आपको अप्लाई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 1 डे बिफोर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सिक लीव आपको अर्जेंट बेसिस के ऊपर मिल जाती है, बस आपको बॉस को फोन करना पड़ेगा कि आपकी तबीयत खराब है और आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्रोथ की, यहाँ पे ग्रोथ होती कैसे है, क्या मेरी सैलरी हर साल बढ़ेगी, क्या मेरी सैलरी एक बार ही में बढ़ेगी, अगर मैंने जॉब कर लिया एज ए एमआर ज्वाइन कंपनी तो मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, ये लेके बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। कंपनी ज्वाइन तो कर ली, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, सब कुछ तो दे रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ सब कुछ, और मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मेरा कंफर्मेशन कब होगा। तो मान के चलिए आपका कंफर्मेशन हो सकता है 6 महीने में, कोई कोई कंपनी करती है 8 महीने में, वो भी आपके वर्किंग के ऊपर डिपेंड रहता है मेरा। अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और रिपोर्टिंग ऑन टाइम बहुत जरूरी है, टारगेट बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से आपका कंफर्मेशन 6 महीने में हो सकता है। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करने जो मैंने बताया, टारगेट डिसिप्लिन एंड ऑल थिंग्स, तो आपका कंफर्मेशन हो सकता है लेट। कोई भी कंपनियां कंफर्मेशन के टाइम पे थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देती है, इंक्रीमेंट होता है, लेकिन किसी किसी कंपनियों में कंफर्मेशन के टाइम पे सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाता है, सैलरी में ग्रोथ हो जाती है, या फिर बराबर 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आप मान के चलिए हर साल आपकी सैलरी में ग्रोथ होती रहेगी, 2000 3000 4000 5000 6000 जो भी हो ईयरली इंक्रीमेंट, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जो कंपनी जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ा दे। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूजन क्लियर रिगार्डिंग ग्रोथ के बारे में, रिगार्डिंग वर्किंग के बारे में, टाइमिंग के बारे में, छुट्टी के बारे में, कुछ भी कंफ्यूजन अगर बचा हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, टारगेट को कैसे अचीव कर